पुडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ 2 मैंगो ली हूँ और इसे हम सबसे पहले छिलका निकालेंगे और इसे छोटा छोटा टुकड़ा में काट कर लेंगे चाकू का मदद से। तो मैं इसको दोनों साइड से काट कर ली हूँ और चाकू का मदद से छोटा छोटा टुकड़ा कैसा कर रही हूँ वीडियो में, आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा करके इसको छोटा छोटा पीसेस में आम को हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। और देखिए ये सारे मैं ऐसा करके रख दे रही हूँ। और गुठलिया का भी ऐसा छिलका आपको निकाल लेना है और चाकू का मदद से इसको आम को निकाल के प्लेट में रख देना है। जैसा मैं रख रही हूँ ऐसे आपको रख देना है। सारे जब आपको पल्प निकाल के आ जाता है तो इसको हम सबसे पहले करेंगे ब्लेंड। तो एक ब्लेंडर जार लेना है आपको, इसमें हम थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे, आपका मिठास का हिसाब से आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखिए ये हम ब्लेंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूध मिलाएंगे। नॉर्मल टेम्परेचर में आपको मिलाना है और आप एक साथ में मिला के ब्लेंड कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके मिला के भी ब्लेंड कर सकते हो, आपका ब्लेंडर का जार अगर छोटा हो तो। तो मैं यहाँ ब्लेंड कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको एक पैन में डालेंगे जिसमें हम बनाएंगे। अभी तक मैं गैस ऑन नहीं की हूँ और मैं आज बिना अगर बिना जिलेटिन का बनाऊँगी तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का सहायता से बनाऊँगी। तो रूम टेम्परेचर का दूध थोड़ा सा लेना है और उसमें मैं 4 टेबल चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ। अगर आप 4 या 5 टेबल चम्मच ले सकते हो इतना आम में। और इसे अच्छा तरह से आपको मिलाना है, लम्प्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इसे साइड कर दी हूँ और गैस का फ्लेम मैं अब जाके ऑन की हूँ और हाई फ्लेम करके इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और लगातार चलाते हुए इसको वेट करेंगे उबाल आने तक। तो जब तक ना उबाल आए तब तक आपको चलाना है। देखिए उबाल आ चुका है। जब उबाल आ जाए तब गैस का फ्लेम आपको एकदम धीमे कर देना है। इस टाइम आपको धीमे कर देना है और जो कॉर्नफ्लोर हम घोल बना के रखी थी इसको आपको धीरे धीरे एक हाथ में डालना है और दूसरा हाथ में आपको लगातार चलाना है, नहीं तो ये लम्स बन जाएगा। ये प्रोसेस आपको सावधानी से करना है। अगर आप नहीं कर सकेंगे ये प्रोसेस सावधानी से तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दे और ये प्रोसेस करें, नहीं तो लम्स बन जाएगा, आपका पुडिंग ख़राब हो जाएगा। तो मैं लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर दी हूँ और इसे मिक्स करने का बाद हम भी लगातार चलाते रहेंगे धीमे आंच में। और कितना चलाना है देखिए, जब आपका पुडिंग ऐसा ड्रॉप ड्रॉप होके गिरेगा ना, इतना टाइम में आप गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं देना है आपको, मतलब तैयार हो गया है। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद आपको थोड़ा सा नींबू का रस देना है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी चाहे तो दे सकते हो। और इसे हम अच्छा तरह से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद इसे हम एक कोई सा शेप देंगे। तो इसको हम मोल्ड का ज़रूरत है तो मैं यहाँ कप केक का मेरा सिलिकॉन मोल्ड था, इसी में हम बनाएंगे मोल्ड का शेप देंगे। तो इसमें आपको मैं धीरे धीरे डाल दी हूँ। और देखिए साइड में मैं कुकीज़ का भी मोल्ड था उसमें भी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें रख देंगे, इसको रख देंगे 2 घंटा या रूम टेम्परेचर में। तो 2 घंटा रूम टेम्परेचर में रखने का बाद मैं इसको और से अच्छा से सेट होने के लिए और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दी थी 1 घंटा के लिए। तो ये अच्छा से सेट हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए आपको उंगली से थोड़ा थोड़ा साइड से प्रेस करना है। अगर सिलिकॉन मोल्ड ना हो तो आप भी ऐसा साइड में दबा दबा के इसे डीमोल्ड करने के लिए रेडी कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ डीमोल्ड कर दी हूँ और ये कितना बढ़िया बने हैं आप खुद देख सक रहे हो। मैं यहाँ पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहे तो टुकड़ा आम से भी गार्निश कर सकते हो। लीजिए ये तैयार हो गया है। और कैसा बना है मैं इसे काट के दिखा दे रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपना दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना ये कैसा बना है। चैनल पे पहली बार हो तो और ये रेसिपी आपको पसंद हो तो आप सब्सक्राइब करके जाइए। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।